धन्यवाद बच्चों, आप सभी का आपके हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे कि शब्द और वाक्य में क्या अंतर होता है। बच्चों, हमने चित्र बनाकर नाम वाले शब्द लिखे, हमने चित्र बनाकर उनसे संबंधित वाक्य भी लिखे, लेकिन जब आपको कई बार आपको वाक्य बनाने के लिए बोला जाता है तो आप क्या लिख देते हैं? सिर्फ एक शब्द, जो गलत होता है। बच्चों, शब्द और वाक्य में अंतर होता है। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में शब्द और वाक्य में अंतर को भी समझेंगे कि शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। सही बच्चों, व्यंजनों के समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे घ एक व्यंजन है, र एक व्यंजन। हम जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है? शब्द। घर, घ व्यंजन है, र व्यंजन है, लेकिन घर एक शब्द है। जैसे क म न, क भी एक व्यंजन है, म भी एक व्यंजन है और न भी एक व्यंजन। अब जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं वह क्या बन जाएगा हमारा? शब्द। क्या बन जाएगा? शब्द। आप क्या इसको कह सकते हैं? यह एक व्यंजन है। कमल एक व्यंजन है? नहीं, कमल एक शब्द है। क म और ल, क्या ये सभी शब्द हैं? नहीं, ये सभी व्यंजन है। बच्चों, क से य तक आप कोई भी व्यंजन खाइए, आप उसको शब्द की परिभाषा नहीं दे सकते, वे सभी व्यंजन होते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर एक शब्द कुछ बनाते हैं वह क्या बनता है? शब्द। ठीक है, जैसे ज ल, च व्यंजन है, ल भी व्यंजन है और हमने लिखा चल। चल एक शब्द। समझ में आया बच्चों आपको? व्यंजनों के समूह को शब्द कहा जाता है, लेकिन वाक्य का रूप शब्द से कहीं ज्यादा होता है। शब्द व्यंजनों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। हमारे ये तीन शब्द हैं और अब हम इनसे वाक्य बनाएंगे। कमल, घर, चल। वाक्य के आखिर में हमेशा पूर्ण विराम आता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यह एक वाक्य है, कमल, घर, चल, और ये शब्द। तो आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में एक चित्र बनाएंगे, उनमें से हम नाम वाले शब्द लिखेंगे और फिर उस चित्र से ही संबंधित वाक्य लिखेंगे, ताकि आपको वाक्य और शब्द में क्या अंतर होता है अच्छे से समझ में आ सके। तो बच्चों, शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे।
बच्चों आप यह चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र में हमें हल्की हल्की बारिश दिखाई है, बादल है, इंद्रधनुष बनाया गया है, पेड़ है, घर, नदी, नदी में बत्तख दिख रही है, आसमान में सूरज भी उगा हुआ है, क्योंकि जब सूरज बारिश के बाद सूरज निकलता है तभी इंद्रधनुष निकलता है। और यहाँ घास है, घास में कुछ फूल खिले हुए हैं, छोटे छोटे पौधे हैं जिस पर तितली मंडरा रही है। ठीक है बच्चों, अब हम इस चित्र में से सबसे पहले नाम वाले शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शब्द, वाक्य नहीं लिखेंगे, शब्द। ठीक है, तो चलिए शब्द लिखते हैं। अब बताइए इस चित्र में हमें क्या क्या दिख रहा है जिसका नाम होता है? तो हमें घर, हम लिखेंगे घर, हमें घर दिखाई दे रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि हम जब यहाँ नंबर एक लेते हैं तो हम यहाँ भी नंबर लिख देंगे, घर। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिख रहा है? पेड़, तो हम यहाँ दूसरे नंबर पर पेड़, पेड़, और इसको नंबर दो देंगे। उसके बाद हमें फूल, फूल, फूल को हम नंबर तीन देंगे। अगर देखने की जगह नहीं होती, मैंने आपको बताया था तीन का निशान लगाकर हम ऐसे लिख सकते। चौथे नंबर पर हमें तितली दिखाई दे रही है तो हम तितली, तितली कैसे लिखेंगे? त पर छोटी की मात्रा आएगी, फिर तित, एक और त, और फिर तित ली, ल पर बड़ी ली, तितली। और तितली को हम चौथा, उसके बाद हमें नदी दिख रही है तो हम नदी, 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 और नदी को हम पांचवा नंबर। नदी में क्या है? बतख, तो हम अब बतख लिखेंगे, छठे नंबर। बादलों को हम सातवां नंबर। ठीक है, फिर सूरज आठवीं नंबर पर हम सूरज, सूरज में बच्चों बड़े ओ की मात्रा आती है, सूरज, हम सूरज को आठवां नंबर। हम इंद्रधनुष लिखेंगे, नौवे नंबर पर हम क्या लिखेंगे? इंद्रधनुष, आसमान में इंद्रधनुष निकला है ना, तो इंद्रधनुष, हम इंद्रधनुष कैसे लिखेंगे? ई, ई, इंद्र, हल्की सी न की आवाज आ रही है तो इंद्र, द के नीचे द। अब मैंने आपको बताया था जब व्यंजन के एकदम बाद आवाज आती है लेकिन पूरे र की नहीं आती तो हम कैसे लिखते हैं? इसके साथ में ऐसे र बना देते हैं। ठीक है, इंद्र धनुष, ध, आपको पता
वहां पर शिरोरेखा नहीं आएगी। भ नु न पर छोटे की मान का और श कौन सा श षटकोण वाला या षटकोण वाला षटकोण ठीक है। क्या लिखा हमने इंद्रधनुष, हमें यहाँ इंद्रधनुष लिख रहा है, यह जो निकला है इसका एक नाम होता है, क्या बोलते हैं इसे इंद्रधनुष, तो हम इसे नॉर्मल ठीक है। आप देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है तो चित्र में क्या दिख रहा है हमें बारिश बरसात, हम बारिश को दस मान लेंगे या बारिश आप कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है। तो बच्चों हमने इस चित्र में से देखकर 10 नाम वाले शब्द लिखे, कौन कौन से लिखे, हर हर पेड़ पेड़ फूल फूल तितली तितली नदी नदी बतख बतख बादल बादल सूरज सूरज इंद्रधनुष इंद्रधनुष बरसात बरसात ठीक है। बच्चों हमने इस चित्र में से देखकर अभी क्या लिखा, नाम वाले शब्द, ये सभी क्या है शब्द। अब हम इस चित्र को देखते हुए इसी चित्र को देखते हुए वाक्य रचना करेंगे, वाक्य शुरू करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, अब हम चित्र से संबंधित वाक्य रचना करेंगे ठीक है। अब चित्र को ध्यान से देखिए, आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है, इंद्रधनुष निकला है, तितली फूलों पर मंडरा रही है, बतख पानी में तैर रही है और बरसात हो रही है। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि चित्र हमें मुख्य रूप से जिसका दिख रहा है हम सबसे पहले वही वाक्य लिखते हैं। तो हम इस चित्र से संबंधित सबसे पहला वाक्य क्या लिखेंगे, यह बारिश का चित्र त्र संयुक्त व्यंजन है, त और र से मिलकर बना है, चित्र है और फिर होंगे, यह बारिश का चित्र है। दूसरा वाक्य ध्यान से चित्र को देखिए, आपको बहुत सुंदर कुछ दिखाई दे रहा है इसमें इंद्रधनुष, तो हम दूसरा वाक्य क्या लिखेंगे, इंद्रधनुष आसमान में इंद्रधनुष निकला है, आसमान में इंद्रधनुष इंद्रधनुष आपको लिखना आ चुका है, इन र ध नु श षटकोण वाला इंद्रधनुष लिखना है। ठीक है बच्चों आगे देखिए, बतख कहाँ तैर रही है, बतख पानी नदी में तैर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, बतख नदी में तैर रही है, बतख
लीफ दे पैर, पैर कैसे लिखेंगे, द के ऊपर दो मात्रा, पैर, ठीक है, पैर र, पैर रही है, बच्चों हम जब भी क्षेत्र से संबंधित वाक्य रचना करते हैं हम था का प्रयोग नहीं करते, सब कुछ हमें दिख रहा है तो हम सिर्फ है का प्रयोग ही करते हैं। अगला वाक्य आगे देखिए, आगे और क्या दिख रहा है आपको, फूल खिले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नदी के पास फूल खिले हैं, आप इतना भी लिख सकते हैं चित्र में फूल खिले, ठीक है, तो हम लिखेंगे नदी के पास पास फूल खिले हैं, खिले खबर छोटी की बात, खिले ले है, नदी के पास फूल खिले है। पांचवा वाक्य, पांचवा वाक्य आप क्या बना सकते हैं, फूलों पर तितली बंडला रही है, तितली फूलों पर, तितली फूलों पर, तितली फूलों पर मंडराती है ना बच्चों, या तो वो बैठी होती है और जब वह उड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, फूलों पर मंडराना, तितली फूलों पर मंडरा, बिंदु मन, हल्की सी न की आवाज आ रही है और मन द द द द, द इसके नीचे बिंदु नहीं आएगी, मंडरा रा रही तितली फूलों पर बंदरा रही है, ये सभी क्या है वाक्य। इससे पहले हमने क्या लिखे थे शब्द, हमने कौन कौन से वाक्य लिखे बच्चों, यह बारिश का चित्र है, आसमान में इंद्रधनुष निकला है, निकला है आसमान में इंद्रधनुष, बतख नदी में तैर रही है, यहाँ बतख देख सकते हैं जो नदी में तैर रही है, नदी के पास फूल खिले हैं, नदी के पास फूल खिले हुए हैं, तितली फूलों पर मंडरा रही है, तितली देख रहे हैं आप जो फूलों पर मंडरा रही है। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप चित्र को ध्यान से देखें तो आप इसमें से अभी भी कई वाक्य और लिख सकती हैं, जैसे आसमान में दो बादल दिख रहे हैं, क्या चित्र में दो बादल दिख रहे हैं, एक सूरज भी है, पेड़ दिख रहा है चित्र में, एक घर भी है और नदी पानी से भरी हुई है, हम ऐसे बहुत से वाक्य मैंने आपको पहले बताए थे हम एक चित्र में से लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों वाक्य और शब्द दोनों अलग अलग होते हैं, अगर आपको शब्द लिखने के लिए कहा जाता है तो आपको सिर्फ शब्द लिखना होता है, मतलब एक शब्द तितली, एक शब्द फूल, इंद्रधनुष, पेड़, घर, बतख, ठीक है, लेकिन जब आपको वाक्य लिखने के लिए बोला जाता है तो आपको पूरा एक वाक्य बनाना होता है, जैसे अगर आप इसमें खाली लिखते आपको वाक्य बनाने के लिए बोला जाए और आप लिखते तितली,
बारिश। यह गलत होता है बच्चों, आपको वाक्य बनाना है बारिश का चित्र है। तितली दिख रही है चित्र में, तितली फूलों पर बैठी है, फूलों पर उड़ रही है, मंडरा रही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य होना चाहिए अगर आपसे वाक्य लिखने के लिए कहा जाए तो। ठीक है बच्चों, आशा है आपको शब्द और वाक्य में अंतर समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, अगर शब्द लिखने के लिए बोला जाता है तो शब्द लिखना, लेकिन अगर वाक्य लिखने के लिए बोला जाता है तो पूरा वाक्य लिखना। ठीक है बच्चों, बच्चों अब आपको अपने गृह कार्य में क्या करना है, आपको दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने। आप यहाँ शब्द देख सकते हैं, हमने जो आज चित्र किया है उसी से संबंधित पांच शब्द ये है। यहाँ है आसमान, फूल, नदी, बदर, घर, ये सभी हमें अपने चित्र में दिख रहे थे। तो आपको इन्हीं पांच शब्दों से अपनी उत्तर पुस्तिका में वाक्य बनानी। बच्चों पहले तो ध्यान से करना, शब्दों को बोल बोल कर देखना और वाक्य रचना करनी है, तो कार्य